दुष्कर्म ना बनावों ने कारणे महिलाओं की सुरक्षा ने लईने पण गंभीर सवालों उभा थया छे। सूरत में दिन प्रतिदिन वधी रहेला दुष्कर्म केस ना कारणे समग्र गुजरात में सूरत भारे बदनाम थई गयो छे। त्यारे फरी एक वार दुष्कर्म मामले पकड़ायेला सूरत में रेपनी घटना सामे आवता सूरत नी जो बात करिए तो वधु एक वक्त खरडाई थई छे। सूरत ना सरथाणा में आरोपीए किशोरी ने घरे बोलावी अश्लील फोटा पाड्या हता। फोटाने आधारे आरोपी सगीरा ने वारंवार ब्लेकमेल करीने होटल में लई जई दुष्कर्म आचरतो आरोपी सगीरा थी सोशल मीडिया में संपर्क में आव्यो हतो। सरथाणा पुलिस स्टेशन खाते तारीख 27/8/2023 रोज आईपीसी 376 और पोक्सो अधिनियम मुजब दुष्कर्म की फरियाद नोंधवामां आवी छे। आ गुना की बनाव हकीकत ए रीतनी है कि आ कामना जे फरियादी छे तेमनी दीकरी साथे जे आरोपी पप्पू गुप्ता छे तेणे इंस्टाग्रामना माध्यम थी फ्रेंड रिक्वेस्ट मोकलीने बन्ने एकबीजा साथे वातचीत करता हता। त्यारबाद आ कामनी जे भोग बननार छोकरी छे एनो सतत कॉन्टेक्ट करीने एनो नंबर ने आपले करीने संबंधों बांधीने आरोपी द्वारा सरथाणा विस्तारनी बे त्रण अलग अलग होटलों में लई जई दुष्कर्म आचरवामां आव्यो छे। अने आ बाबतनी गंभीरता लईने सरथाणा पोलीस स्टेशन द्वारा तात्कालिक गुनो नोंधीने आरोपी जे पप्पू गुप्ता छे तेनी तात्कालिक धरपकड़ करवामां आवी छे अने आगळनी तपास वधु चालू। छेल्ला घणा समयथी માર્ગ અકસ્માતની ઘટનામાં નિર્દોષ લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા હોવાને પગલે આજે ડીસામાં પોલીસ દ્વારા હેલ્મેટ જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું।